मेरे पास अब रिश्तेदार बैठाने की जगह नहीं है। तो हमने कहा तुम बिटिया बहन हो, तुमका दही दे मौके खाली कर दो। खूब लड़ी हमसे, इस महीने हम खाली करने वाले। अच्छा, आप घर खाली करने के लिए कर रहे थे सागर की माँ से? हाँ, सागर को जानते हैं। माँ भी इसकी बहुत बदतमीज है। हाँ, क्या करते थे वो? बढ़ई का काम करते है, बढ़ई है आदमी, बढ़ई का काम करता है। कुछ ये लोग कुछ पुलिस वुलिस का भी मामला कभी रहा, कभी कुछ क्या अपराधों में भी संलिप्त रहे? क्योंकि आप तो ऐसा कुछ आपके ही मकान रहे रहे हैं, ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है, पहली बार हो रहा। आपसे भी विवाद, आपसे विवाद रहता? नहीं, विवाद भी नहीं रहा। तो बस केवल हमने एक देखो बिचिया तुमको मौके पर हमने दे दिया, अपने बच्चों की तरह। मकान नहीं खाली? हाँ नहीं, खाली करें हमने कहा। शुभम, जरा सागर का चाल चलन इनसे पूछिए। पोते की शादी करेंगे तो कोई आता जाता तो बैठने की जगह नहीं, बरामदे में बैठा तो निकलने की परेशानी हो। सागर को भी आप देखते होंगे, कैसा लड़का था, कैसा मतलब? तो सब बहुत दिन से देख रहे हैं, अच्छा है। कितने सालों से? अरे हम हमारे कमरे में कम से कम 8 साल से तो रही रहा। 8 साल से देख रहे हैं। ई रिक्शा चलाता था? हाँ। उसके पहले क्या क्या करता रहा है वो? अब इतना तो हम ध्यान नहीं दे पाते। आप जिसे 8 साल में कैसे देख? भैया देखो, हम बताएं, हम अपने अंदर चुपचाप लेट जाते, चल वल पाते। पढ़ाई वढ़ाई करता था क्या? पढ़ा है। कितना पढ़ा होगा? लड़की भी पढ़ रही है, लड़का भी, हमको लगता है इंटर किए हुए हैं। आज जो किया उसके बारे में जानकारी? हमको देखिए एक बात बताएं, हम सच बोलते हैं झूठ बोलते हैं? हमको पता बहुत पहले चल गया था। क्या पता चल गया था? अब हम ये नहीं बताएंगे। बता दीजिए। बिल्कुल नहीं बताएंगे। आपको क्या पता चल गया था? पता का करेगा? चल गया बस। इस तरह की कुछ घटना कर देगा? नहीं, ये नहीं पता चला हमको। हमको ये पता चला गया था कि सागर आ गया। क्या आ गया है घर में? हाँ आ गया था। कब आ गया था? अरे अब हम दिन तारीख थोड़ी लिख के बैठते हैं। कब? 2-4 दिन पहले, 5 दिन पहले? अब हम नहीं भैया नहीं पता, कम से कम हफ्ता भर से है। हफ्ता भर से यही है? हाँ ज्यादा है। और वो तो आज दिल्ली में जो है जो नई संसद है वहाँ ऐसा है। सुनिए मेरी बात, हमने बहुत नेतागिरी की है, हमसे दुनिया से कोई मतलब नहीं रखते हैं। अच्छा, उसके कुछ उसके कुछ चाल चलन के बारे में बता दीजिए, कैसा था वो? चाल चलन नहीं कह पाएंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये मकान मालिक हैं, जिस घर में सागर शर्मा रहता था, और इस घर के मकान मालिक का साफ तौर पर कहना है कि काफी ज्यादा मकान खाली कराने को लेकर के भी उनका साफ तौर पर कहना है कि माँ का भी कुछ लगभग व्यवहार वैसा ही था, और मकान खाली करने को लेकर के कई बार उससे बातचीत करने का भी प्रयास किया। ये देखिए घर के बाहर की जो पतली गली है आलमबाग की, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि काफी व्यस्त चौराहा या व्यस्त मोड़, व्यस्त रोड बन चुका है। घर पे लोगों के आने का सिलसिला जारी है। घर की तस्वीर एक बार मैं फिर आपको दिखा दूं, ये घर है जहां पर वो किराए पर रहता है, और सामने की तरफ जो देख पा रहे हैं आप, ये वो कमरे हैं जहां जिनमें वो रहा करता था, और जहां वो रहा करता था। और ऐसे में बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले यहां से ये कह करके निकला वो कि वो यहां अपने दोस्तों के पास जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, और ऐसे में इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना निश्चित तौर पर आप समझिए कि बहुत ही गंभीर मामला रहा। आपका क्या रिलेशन है सागर से? सागर से आप, सागर से आपका रिश्ता क्या? वो नाती वाला है। नानी है? हाँ नानी है। यानी बचपन से देख रहे हैं? हाँ। कभी उसकी कुछ ऐसी हरकतें लगी कि वो इतनी बड़ी? नहीं नहीं, वो इधर मोहल्ले में। अच्छा, बंगला, और ये कितने समय रहा है बंगला? वो हमको नहीं पता, वो इन्हीं लोगों का मालूम होगा। आप यहाँ साथ में नहीं रहते? हम अलग है। अच्छा, आप अलग? साथ में नहीं है। आखिरी बार कब आया था लखनऊ आपके घर? वो तो अभी परसों गया है, और 15 साल यहाँ रह रहे हैं। आपसे आखिरी बातचीत क्या हुई? हमसे बात ही नहीं हुई। नहीं। अच्छा, पढ़ाई लड़ाई? हम अलग पढ़ाई में कैसा था? दोस्त यार कैसे? पढ़ाई
कराए थे। क्या किसी नेता के साथ उठना बैठना या इस तरह की चीजें? भैया ये हमको नहीं मालूम है ना। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये सागर शर्मा की नानी है, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की कभी भी घटनाओं में या फिर क्राइम या अपराध से जुड़ी हुई चीजें कभी भी नहीं देखी गई। और लेकिन अपने आप में सभी शॉक्ड हैं, यहाँ पर घर में भी सभी लोग शॉक्ड हैं, मोहल्ले के जो लोग हैं। यहाँ का विषय है, बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएगी कि वजह क्या रही, किस लिए गया दिल्ली और जो उसने किया उसके पीछे की क्या वजह रही, साथ कैसा रहा परिवार। तो अभी इस वक्त अपने इस बच्चे को यानी कि सागर को यही लोगों को बताने के लिए कह रहा है कि नहीं, वो बहुत संवेदनशील, बहुत बेहतर था, लेकिन जो उसने किया उसे आज पूरे देश ने देखा। हालांकि आगे आपसे जुड़ेंगे, अपडेट शुभम लेंगे।